हेलो एंड वेलकम अपना लखबीर शमशेर शो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शमशेर, मैं पहले भी बहुत बार पुलिस स्टेशन खोल चुका हूँ। एक बार तो मैंने पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन खोल दिया, कैदी भाग गए। मुझे 2 साल की सजा हुई और 2 सालों में मैंने पुलिस का सारा काम सीख लिया है। अच्छा, मुझे लगा कि इतनी चोरियाँ चकारियाँ हो रही हैं, सिर्फ चोरी पैसा क्यों कमाएं, हम क्यों ना कमाएं, तो मैंने अपना पुलिस स्टेशन खोल लिया। हेलो हेलो हेलो, टेलीफोन एक्सचेंज, हमारा फोन नहीं चल रहा है, कुछ करेंगे? ठीक है। यस शमशेर भाई साहब, आप लेकिन आपने पुलिस की यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है? आप ना बेस्ट वो कैदी के कपड़े में बेस्ट लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं ना, वो लाइन लाइन वाले कैदी वाले, हथकड़ी के मुंह वाली औरत। आते ही तुमने गिरफ्तारी वाली बात की है, चली जाओ नहीं तो सजाए मुंडन कर दूंगा, गंजी होके घूमती रहूंगी। ये कौन सी सजा हुई? और वैसे भी अगर आपको सजा देने का इतना ही शौक है ना, तो आप किसी ब्यूटी पार्लर में जाके किसी दुल्हन को सजा दीजिए। आपको पता है थाना खोलने का काम सरकार का होता है, सारा काम सरकार करे, तुम खुद कुछ ना करना, मोटी आलसी औरत। अच्छा, एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपने थाना खोल लिया, तो आपको ये सैलरी कौन देगा? तुम्हें क्या लगता है हम सैलरी के भूखे हैं, लालची हैं? हमारे पास बंदूक है, वैसे पैसे छीन लेंगे। बदतमीज। ये जैसी हरकतें कर रहे हैं ना आप, मुझे नहीं लगता है कि आपके पास कोई भी केस आने वाला है। देखो, कोई केस आए ना आए, लेकिन बोनी के लिए हमारे गांव में एक ताऊ जी हैं, उनको पकड़ के अंदर कर देंगे। उनको अंदर क्यों कर देंगे? उन्होंने क्या किया, कसूर क्या है? उन्होंने कार ले ली ना, तो इसमें गलत बात क्या है? हमसे पहले कैसे ले ली? पता है, कोई रिश्तेदार नहीं कार ले ले कितनी जलन होती है, लेकिन मेरी माँ ने बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं, कहती बेटा ऐसे जलना नहीं चाहिए, ईंट लेके जाओ उसका शीशा तोड़ दो। देखिए, आपको ऐसे ही काम करना है तो अपने घर में जाके कीजिए, ये हमारी सोसाइटी है। तो ये हमारा पुलिस स्टेशन है। तुम्हें देख के मुझे लग रहा है कि तुम एक बहुत बड़ी और मोटी पुलिस वाली बन सकती हो। मैं तो कहता हूँ यू आर सिलेक्टेड। चलो जाके उधर आपको वर्दी पहनो, चलो। मैं दिल में आती हूँ, जेल में नहीं। मुझे लगता है तुम दोनों जगह नहीं आ सकती। चलो अब आ जाओ, उधर जाओ, तुम्हारी वर्दी पड़ी है उधर, चलो पहन के आओ। मुझ पे एक एहसान करना, कि मुझ पे कभी कोई एहसान ना करना। पुलिस में भर्ती होना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। मैं जब भर्ती होने गया, मुझे कहते ग्राउंड के 5 चक्कर लगाओ, मैंने 10 लगाए, क्योंकि ग्राउंड थी गर्ल्स कॉलेज की। अच्छा, मैंने ऐसे 10 चक्कर लगाए, आज देख लो भगवान कितनी कृपा, मेरे खुद के 2-4 चक्कर चल रहे हैं। अरे अरे भाई साहब, कौन है आप और मेरे हॉस्पिटल के सामने आपने थाना कैसे खोल दिया? क्यों, तुम लोग थाने के सामने हॉस्पिटल खोल सकते हो, हम हॉस्पिटल के सामने थाना नहीं खोल सकते? 1 सेकेंड, ये हॉस्पिटल पहले से खुला हुआ है। पहले से खुला हुआ तो ढक के रखो, मक्खियां ना आ जाएं इधर। 1 सेकेंड, हमारा हॉस्पिटल आपका क्या लेना देना, हम इसे खुला रखे या बंद। देखिए आप जाइए यहाँ से, वरना मैं पुलिस में आपकी कंप्लेंट कर दूंगी। अब मैं क्या डाकिया हूँ? मैं खुद पुलिस हूँ, मैं तुम्हारी कंप्लेंट लिखूंगा ही नहीं। मैं दूसरे पुलिस स्टेशन में जाके FIR लिखवाऊंगी। एक काम करो, ले दे के बात खत्म कर देते हैं, तुम 1000 रुपया दे दो। बात आपको खत्म करनी है, मैं क्यों आपको पैसे दूँ? मतलब तुम पैसे नहीं दोगी? नहीं। हवलदार बम्पर, इस लड़की को पकड़ के अंदर कर दो। खबरदार बम्पर, तुमने मुझे हाथ लगाया तो। कानून का कोई दोस्त नहीं होते हैं सरला। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये क्या हवलदार के कपड़े पहन के घूम रही हो तुम? अंदर तुम्हारा पेशेंट इंतजार कर रहा है। उससे कह दो कि मैंने उसे ब्रेकअप कर लिया है। ब्रेकअप? वो पेशेंट है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं। लेकिन मैंने तो उसे बॉयफ्रेंड की तरह ही ट्रीटमेंट किया था ना। आज मेरे साथ, खैर वैसे भी अब मैं पुलिस की यूनिफॉर्म में हूँ, पुलिस के साथ बदतमीज करने के जुर्म में मैं तुम्हें अंदर कर सकती हूँ। ओ 500 किलो, ऐसे कोई 4 सेंटीमीटर की लड़की से बात करता है? सुनो, तुम पुलिस में क्यों नहीं भर्ती हो जाती? नहीं, अरे ये चूही क्या करेगी हमारे साथ? अरे इसको हम चाइल्ड पुलिस बुलाएंगे, छोटे छोटे बच्चों के सॉल्व करेगी, जैसे पिगी बैंक के में पैसे चोरी हो गए, किसी का चॉकलेट को लेकर झगड़ा हो गया। मेरे ज़मीर में दम है, क्योंकि मेरी जरूरतें कम है। ए चल चल अंदर चल, ज़मीर वाली चल 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 चल। चलो भाई, बड़ी ज़मीर है, ज़मीर की चाची। सुनिए, मैं भी जरा अभी पेट्रोलिंग करने जा रही हूँ और मैं बहुत सारा खा के लौटूंगी। आपको कुछ चाहिए? एक काम करना, मेरे लिए माँ की दाल और बाप के चावल ले आना फटाफट। ओके। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरा रिपोर्ट लिखिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान हूँ आजकल, मैं क्या बताऊँ आपको। इस मोह माया से तंग आ गया हूँ। मैं तो कहता हूँ चलो कहीं पहाड़ों पे चल के एक एक कप गरम गरम बियर पीते हैं। लेकिन बियर तो चिल्ड पीते हैं ना? नहीं, पता क्या, पहाड़ भी चिल्ड होते हैं, बियर भी चिल्ड पी ली, मामला कहीं चिल्ड आउट ना हो जाए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। एक्चुअली क्या, मेरा बॉयफ्रेंड खो गया। ओहो, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। कहाँ खोया आपका बॉयफ्रेंड? एक्चुअली हम लोग बाहुबली 2 देखने गए थे। अच्छा, बाहुबली देखने गए थे। तो बताइए कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अगर आपको जानना है ना तो जाके देख कर आइए। 500 रुपए की टिकट मैं क्यों जाऊँ, एक काम करिए ना आप लो 10 रुपए, मेरे को वैसे बता दो क्यों मारा था। कटप्पा ने बाहुबली को अपनी माँ के कहने पर मारा था। तो घर की बात होगी ना, 10 रुपए किस बात के? बैठिए, ये तो गलत बात है। अच्छा ये बताओ, टिकट के पैसे किसने दिए थे? बॉयफ्रेंड ने। अच्छा, शो हाउसफुल था? हाँ। ओके, कॉर्नर वाली सीट मिली थी ना? तो लड़का गायब नहीं हुआ, भागा है। अरे ऐसे कैसे भाग सकता है? देखिए इतने पैसे उसने खर्च किए टिकट विकेट के, पॉपकॉर्न के, कॉर्नर वाली सीट नहीं मिली तो मजा फिर कहाँ, किस बात का। अरे लेकिन हम तो गए थे फिल्म देखने के लिए ना, सीट कोई भी हो उससे क्या। ऐसे कैसे सीट कोई भी हो उससे क्या? तुम्हारे पति को पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड भाग गया? अब जब शादी नहीं हुई तो पति कहाँ से आया? शादी से पहले बॉयफ्रेंड लेके घूमती हो? अरे लेकिन शादी के पहले ही बॉयफ्रेंड होता है। मेरी तो शादी हुई नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड तो कोई भी नहीं है। लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते हैं। लड़कियों के होते हैं तो लड़कों का क्या होता है? लड़कों का गर्लफ्रेंड होता है। अच्छा देखो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, हाँ। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हाँ। तो फिर रिपोर्ट आगे बढ़ाएंगे रिश्ता। क्या बोलती हो? मैं बात आगे बढ़ाते हैं, मैं मीडिया को बुलाती हूँ। मीडिया को क्यों बुलाती हो? इधर मीडिया के आई बैठिए, ढूंढ देते हैं आपका पति, इसमें परेशानी क्या है? बॉयफ्रेंड आप जो भी है बाद में तो बनेगा ही कि नहीं। तो रिलेशनशिप को कितने साल हो गए? 4 साल। तो वही वाला चाहिए कि नया वाला ढूंढ के दूं? नया वाला क्यों, मुझे वही वाला चाहिए। वही वाला चाहिए? मैं तो कहता हूँ दही वाला ले लो। भाई आप परेशान क्यों हो रही हैं, वही वाला ढूंढ के देंगे आपको। हेलो बेबी, मिला क्या? हेलो, हाँ मैं नेटवर्क एरिया में आ रही हूँ। हेलो, ओहो चलो छोड़ो मुझे, चल छोड़ो मुझे। अरे मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे, चल चुपचाप, मुझे छोड़ो। ये मैंने कुछ नहीं किया। ये डुप्लीकेट अक्षय कुमार जैसा दिखने वाला कौन है? अरे मुझे क्या पता कौन है, ये बाहर खड़ा था, मैं ले आई इसे। एक सेकंड इंस्पेक्टर साहब, आप ये बताइए कि बाहर खड़े होने में जुर्म क्या है? देखो तुम बाहर खड़े थे, हाँ। एकदम सुनसान था ना, हाँ। फिर कोई लड़की आती, तुम हाँ। लड़की को छेड़ते, देखिए जुर्मों से पहले ही पकड़ लिया मैंने, जुर्म खत्म कर दिया। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया। इतने बड़े लौंडे हो के कुछ नहीं करते, हमारे देश की प्रॉब्लम यही है। देश इसलिए तरक्की नहीं कर रहा, लानत है तुम जैसे जवानों पर। सर मैं न्यू जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ। जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, जिस चीज की देश में कमी चल रही है उसी चीज के लिए ट्राई कर रहे हो। बिजनेस क्यों नहीं कर लेते तुम? सर बिजनेस के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। हाँ तो कोई जॉब कर लो ना। वही तो करने आया हूँ। वही तो कब करोगे, जब उम्र निकल जाएगी तब करोगे। घर में बेचारी बूढ़ी माँ बैठी है, बच्चा इतना बड़ा होगा 2 पैसे कमाएगा, और ये देखो। एक्सक्यूज मी सर, मेरे घर में माँ है लेकिन वो बूढ़ी नहीं है। ओहो, यानी तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी की है। पापा क्यों दूसरी शादी करेंगे, पापा ने एक ही शादी की है। और मेरे माँ बाप अगर फिट है तो मैं क्या करूं? अच्छा माँ बाप सब कुछ करे, तुम कुछ नहीं करोगे हैं? तो काम क्यों नहीं करते, जाके आइसक्रीम बेचा करो। अरे मैं क्यों आइसक्रीम बेचूं? मेरे पिता का सपना था कि मैं पुल बनाऊं। लेकिन पुल तो सरकार बनाती है। हाँ? ओहो, तो तुम सरकार का काम करना चाहते हो। आज कह रहे पुल बनाएगा, कल कहेगा कि मैं नोट छापूंगा। एक मिनट बम्पर, अभी के अभी मीडिया को फोन लगाओ, उनको बोलो नकली नोट छापने वाला 3 साल पहले गिरफ्तार किया हमने। चलो उठाओ। लगा रही हूँ। बेवकूफ ऐसे कर थोड़ी करते हैं। तलाशी लो इसकी पहले। एक सेकंड, ये तो मेरे घर का सामान है। और एक सेकंड, आप ऐसे कैसे किसी की तलाशी ले सकते हो? इसका फोन छीनो, फेसबुक पे स्टेटस इसका चेंज करो, लिखो एंगेज्ड। खबरदार हमारे हवलदार से कुश्ती कीजिए। अरे पैसे हाँ। क्यों निकाल रहे हो? पैसे क्यों निकाल रहे हो सर? पैसे नहीं निकालेंगे तो हम अपने आप को तनख्वाह कैसे देंगे? लाइए बम्पर, एक काम करो इसको अंदर डाल दो, छोटा सा मुक्का मार देना ताकि अगर होश में रहा तो चाय मांगेगा। चलो अरे अरे सर, चलो अंदर चलो। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं बता रहा हूँ। चलते चलते मुक्का मारो इसके। सर सर मुझे जेल में। चलो Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates